एक बहुत खराब बग दिखा इसका कि जैसे कि अल्ट्रा वाइड है अभी कर रहा है। मतलब किसी में भी काम नहीं कर रहा है अल्ट्रा वाइड में नहीं वन एक्स पे भी काम नहीं कर रहा है फाइनली यही बोलेंगे कि हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग आई होप भाई हमेशा की तरह आप लोग गर्दा उड़ा रहे होगे और आज गर्दा उड़ाने के लिए हमारे पास जो है ये है OnePlus का 11 काफी दिनों से OnePlus का कैमरा का जो है उतना अच्छा नहीं आ रहा था तो हम लोगों ने फिर से सोचा क्योंकि बहुत लोगों ने इसका रिव्यू डाला बहुत कुछ बोला कि हाँ इसका काफ़ी कुछ अपग्रेडेड है हेजल ब्लेड के साथ ये कोलेब्रेशन है और काफ़ी कुछ इसमें नया नया देखने को मिलेगा तो चलिए बिना किसी तरीके टेस्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन कितना गर्दा उड़ाता है अगर इसका वाइड एंगल यानी कि प्राइमरी कैमरा का बात करें तो डेफिनेटली ये एक अपग्रेड है आई एम एक्स एट सेंसर इसमें यूज़ किया गया है वन बाई वन पॉइंट फाइव सिक्स इंच का सेंसर है एफ वन पॉइंट एट अपर्चर है ये और टेस्ट किया है, जितना भी फोटोज वगैरह सारा कुछ लिए हैं तो उसमें हमको एक चीज़ काफ़ी अच्छा लगा कि इसका डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छा है कहीं कहीं पे थोड़ा फेडेड वाला फील हुआ है और ऐसा लगा कि कुछ कुछ जगहों पे ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है वैसे हम इसको लेने के साथ अपडेट किए थे पहला अपडेट आया हुआ था उसमें लेकिन कैमरा के बारे में कुछ वैसा लिखा हुआ नहीं था बट हम यही बोलेंगे कि जो डायनेमिक रेंज वगैरह सब कुछ था उसमें कभी भी कोई इशू ऐसा नहीं दिखा सब कुछ में अगेंस्ट द लाइट कितना भी हार्श लाइट हो बहुत अच्छे से फ़ोन इसको हैंडल करता है इवन हैजल ब्रेड का जो ब्रांडिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम करता है ये नहीं बोल सकते कि जाइज़ जैसा काम करता है बट हाँ काम करता है पहले के वन प्लस के कंपैरिजन थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा क्या मेजर इम्प्रूवमेंट हम लोग इसमें प्राइमरी कैमरा में कर सकते हैं वैसे प्राइमरी कैमरा में हम लोग को ओ भी है और ये काम भी करता है लो लाइट में जब भी हम फोटोज़ वगैरह जो भी क्लिक किए तो काफ़ी अच्छा इसका ऑप्टिमाइजेशन है टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेता है फोटोज़ क्लिक करने में जल्दी से रेडी हो जाता है नेक्स्ट शॉट के लिए हाँ सटर लैग वगैरह थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने देखा कि वो है लेकिन जो लो लाइट का फोटोज़ है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है प्राइमरी कैमरा में तो ये इस चीज़ में बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर थोड़ा अच्छा से काम किया गया है तो डेफिनेटली प्राइमरी कैमरा में ऑलमोस्ट हर जगह ये फ़ोन आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है जिस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से है एक बहुत ख़राब बग दिखा है इसका कि जैसे कि अल्ट्रा वाइड है अभी अल्ट्रा वाइड में हम अभी क्लिक करेंगे तो ये नाइट मोड काम किया उसके बाद से काम करना बंद उसके बाद से नाइट मोड काम नहीं करता इवन कभी कभी काम कर रहा है और कभी कभी नहीं काम कर रहा है जैसे वन पे गए तो काम नहीं कर रहा नाइट मोड फिर यहाँ से जाएंगे वीडियो मोड या कोई मोड चेंज करते हैं उसके बाद ऑन करेंगे तो देखिए काम कर रहा है तो ये बहुत गंदा बग है भाई यहाँ पे एक्सट्रीम डार्क है स्टिल बहुत जगह नाइट मोड काम नहीं कर रहा है आई डोंट नो रिव्यू कब डालने वाले हैं फोर्टीन फेब को मिला है वैलेंटाइन डे के दिन ये फ़ोन और सुबह से ही टेस्ट कर रहे हैं पहला चीज़ जो हम ये देखें कि डिस्प्ले डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है ब्राइट भी है इनफ ब्राइटनेस है आउटडोर में बहुत ज़्यादा धूप होगा गर्मी के दिन में थोड़ा बहुत विजिबिलिटी का आपको प्रॉब्लम हो सकता है बहुत एक्सट्रीम धूप वाला सिचुएशन हो तो लेकिन ऐसे कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा सब कुछ हमको ठीक लगा वन टू वन ट्वेंटी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट है एल टी पी ओ डिस्प्ले है कोरिला ग्लास विक्टस मिल जाता है तो डिस्प्ले के मामले में कोई भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है तो अगर अल्ट्रा वाइड का बात करें तो ये 48 मेगापिक्सल का आई एम एक्स है सारे कैमराज में इसको सोनी का यूज़ किया गया है इवन हेजल ब्लेड भी जो है वो सोनी का ही कंपनी है तो यहाँ पे भी सारा कुछ सोनी का ही यूज़ किया गया तो ये अच्छी बात है और ये एफ टू पॉइंट अपर्चर के साथ है वन बाई इंच का सेंसर है जो कि बहुत बड़ा सेंसर नहीं है पहला चीज़ जो हम नोटिस किए फोटोज़ देखने के बाद कि क्वालिटी तो ठीक है सब कुछ ठीक है जो शेडोज और हाइलाइट्स का मेंटेन करने वाला चीज़ था सब कुछ ठीक है कलर्स वगैरह कहीं कहीं पे बूस्टेड है कहीं कहीं पे नेचुरल है तो यहाँ पे भी हेजल ब्लेट काम करता है बट अगेंस्ट द लाइट अगर बोलेंगे तो उसमें डायनेमिक रेंज तो बहुत अच्छा था लेकिन शेडोज़ वाले पार्ट में कहीं कहीं पर ऐसा अच्छा लगा कि कलर्स वगैरह थोड़ा बूस्ट कर दिया गया है डे टाइम में ओवरऑल हम बोलेंगे कि अच्छा कैमरा है क्वालिटी शार्पनेस डिटेलिंग वगैरह सब कुछ अच्छा है इसको कंपेयर करेंगे दूसरे फ़ोन से तो और बेहतर पता चलेगा इवन हमको एक चीज़ लगा कि बहुत ज़्यादा वाइड आपको नहीं देता है जो एकदम अल्ट्रा वाइड होना चाहिए आईफोन जितना अल्ट्रा वाइड नहीं है पॉइंट है लेकिन डेफिनेटली फोटोज़ जो है क्वालिटी वाइज ठीक है इवन इसका फ़ायदा हमको ये होता है 48 एट का 8 मेगापिक्सल पिक्सल वाले फोन फोन में क्या होता है कि आपको अल्ट्रा वाइड बहुत ज़्यादा कमजोर होता है खासकर लो लाइट में लेकिन यहाँ पे लो लाइट का जो भी फोटोज़ वगैरह हम क्लिक किए फोर्टी एट मेगा पिक्सल वाले से ये पिक्सल बाइंडिंग करता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है जिसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा कि एज टू एज लो लाइट में भी शार्पनेस डिटेलिंग सब कुछ है फ्लेयर्स है फ्लेयर्स सबको दिखेगा लेकिन हाँ क्वालिटी शार्पनेस ये सब अच्छा है आप लो लाइट में भी अच्छा खासा फ़ोटोज़ निकाल सकते हो बैटरी का बात करेंगे तो इसमें हंड्रेड वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग मिलता है और जब हम फ़ोन लिए थे उसके बाद कुछ देर यूज़ किए थर्टी परसेंट पर आ गया था बैटरी तब हम इसको चार्ज में लगाए थे और टेस्ट किया था तो अप्रॉक्स दस मिनट में ये सेवेंटी वन परसेंट थर्टी मिनट्स में लगभग ये फुल चार्ज हो चुका था तो काफ़ी फास्ट चार्जिंग है वैसे तीसरा कैमरा भी है जो दो मेगा का मैक्रो डाल के डंडी नहीं मारा गया क्योंकि वो हम लोग को अल्ट्रा वाइड पर ही क्लिक हो सकता था लेकिन यहाँ पर एक अच्छा चीज़ लगा कि सीधा सीधी वन प्लस ने इसको पोर्ट्रेट टेलीफोटो नाम दिया है क्या क्योंकि आप पोर्ट्रेट शॉर्ट्स ज़्यादा अच्छा ले सकते हो ऐसा उन्होंने कहा है और ये ये भी सोनी का ही सेंसर है डे टाइम का जो फोटोज था कलर्स वगैरह सब कुछ ठीक है कलर शिफ्टिंग भी है अगर प्राइमरी और अल्ट्रा वाइट से कंपेयर करेंगे इसको तो कलर शिफ्टिंग हमको कहीं कहीं दिखा है और अच्छी बात यह थी कि भाई आप इसको आराम से टेनेक्स तक भी आप जूम करके क्लिक कर सकते हो डिटेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं लगा ट्वेंटी एक्स तक मैक्सिमम जूम लेवल जाता है बट उतना अच्छा आपको रिजल्ट वहाँ पे नहीं मिलेगा लेकिन ओवरऑल हम बोलेंगे कि टेन एक्स तक आप अच्छा खासा फोटोज निकाल सकते हो जूम करके और क्वालिटी डे टाइम में ठीक है लेकिन लो लाइट में भी आप जाओगे तो एफ जो है वो काफ़ी हेल्प करता है फोटोज़ में और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है उसमें कोई भी हमको प्रॉब्लम ऐसे नॉर्मल फोटोज़ में नहीं लगा नाइट मोड आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो नाइट मोड तीनों ही कैमरा में मिल जाता है तो ये अच्छी बात है और लगभग फोटोज़ का क्वालिटी ठीक ठाक है बस थोड़ा सा इसको भी ऑप्टिमाइज़ करने का और ज़रूरत है कलर शिफ्टिंग जो है वो दिखता है अल्ट्रा वाइड और वाइड एंगल से तो ओवरऑल एक अच्छा एडवांटेज ये कि आपको 2x लेंस मिल रहा है तो इसको कंपेयर करेंगे दूसरे फ़ोन से तब पता चलेगा कि कितना उसके सामने स्टैंड कर पाता है तो अगर पोर्ट्रेट मोड का बात करेंगे तो इसमें 1x और 2x दोनों लिया हुआ है और पहला चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा नोटिस करने को मिला कि कुछ कुछ जगह फोटो शार्प आता है सब कुछ ठीक ठाक आता है कुछ कुछ जगह क्या होता है एज सेलेक्शन में प्रॉब्लम होता है क्योंकि 2x में खासकर ओ नहीं है और टाइम भी कभी कभी फ़ोटोज़ क्लिक करने में थोड़ा ज़्यादा लगता था लेकिन फ़ोटोज़ का क्वालिटी लगभग ठीक ठाक है बहुत अच्छा भी नहीं बोलेंगे, और ये भी नहीं हो था कि कहीं पर भी बहुत ऐसा फ़ोटोज़ लगा कि और मतलब कभी कभी लगा कि ऑप्टिमाइज़ करने का और ज़्यादा ज़रूरत है दूसरा ये चीज़ सबसे ज़्यादा लगा कि भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर शिफ्टिंग होता है वन एक्स पर फोटोज़ क्लिक करो टू एक्स पे फोटोज़ क्लिक करो एकदम लगेगा कि दोनों अलग अलग फ़ोन से क्लिक किया हुआ है तो कलर शिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा है ये सब चीज़ आपको एप्पल और सैमसंग के फोन में खासकर नहीं नोटिस करने को मिलता है तो इस फ़ोन में अभी है और हेजल ब्लेड के कोलाब्रेशन में है तब भी ये फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम होना मतलब इस चीज़ को ऑप्टिमाइज करना चाहिए और हम लोगों ने काफ़ी सारा पोर्ट्रेट शॉट्स लिया था इवन डे टाइम हो लो लाइट में लो लाइट का अगर बात करेंगे तो भाई लो लाइट में जो है बेटर ये लगा कि काफ़ी एक्स्ट्रीम डार्क में भी आपको नाइट मोड काम करता है और फोटोज अच्छे से क्लिक कर पाता है लेकिन ऐसे जैसे भी नॉर्मल सिचुएशन है उस टाइम पे फोटोज थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है एज सेलेक्शन वगैरह जितना भी फोटोज़ में हम लोगों ने देखा एज सेलेक्शन ओके से बहुत अच्छा है यहाँ पर नहीं एज सेलेक्शन कर पाता है खासकर एक्सट्रीमली जब चैलेंजिंग सिचुएशन हो तब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है तो अभी भी बोलेंगे पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी कुछ ऑप्टिमाइज़ करने की जरूरत है अगर सटर लैग का बात करेंगे तो थोड़ा सा सटर लैग है प्राइमरी कैमरा में खासकर लेकिन फिर भी काफी फास्ट है इतना फास्ट इनफ होता है। अल्ट्रा पे अगर देखेंगे, तो तो ये भी लगभग वैसा ही है तो थोड़ा बहुत कलर शिफ्टिंग यहाँ पे दिखता है यहाँ पे आपको ऑप्शन है इसी जगह पे कि हाई क्वालिटी का अगर फोटो लेना हाई रिजोल्यूशन फोटो लेना है तो आप ले सकते हो मैक्रो ऑन ऑफ करना है तो वो आप ले सकते हो यहाँ पे मोड सेटिंग्स में आते हैं तो फिल्म मोड है जिसमें आपको एक अच्छी चीज़ है कि आपको लॉग का भी ऑप्शन मिलेगा लॉग में आपको एडिटिंग वगैरह करना है तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे और अच्छी बात यह है कि सारे कैमराज में आपको लॉग का सेटिंग है अगर प्रो फोटो मोड का बात करें तो यहाँ पे रॉ और रॉ प्लस का भी ऑप्शन है मतलब हाई क्वालिटी रॉ प्लस फोटोज निकाल सकते हो और जो हम फोटो क्लिक किए हैं उसमें आप देखो ट्वेंटी एट का फोटो निकालता है भाई प्राइमरी कैमरा में तो यहाँ पे आप देखो आपको लॉन्ग एक्सपोजर मोड दिया हुआ है जिसमें आप काफ़ी कुछ कर सकते हो वाटर क्लाउड्स का ऑप्शन है मूविंग व्हीकल का ऑप्शन है हमने कुछ फोटोज वगैरह लिया काफी अच्छा निकलता है लाइट पेंटिंग वगैरह आप सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे स्लो मोशन भी है स्लो मोशन में एक अच्छी बात यह है कि फोर एट्टी एफ का भी ऑप्शन है अगर आप सेवन ट्वेंटी पी पे रिकॉर्ड करते हैं तो लेकिन टू फोर्टी एफ बेहतर है क्योंकि उसका क्वालिटी जो है थोड़ा सा बेहतर लगा हमको सेवन ट्वेंटी पी पे आपको काफी कम क्वालिटी मिलता है आजकल तो फ्रंट कैमरा अगर कर बात करेंगे तो फ्रंट कैमरा एफ़ टू पॉइंट फाइव ए का सिक्सटीन मेगापिक्सल वाला है वही पुराना फ्रंट कैमरा जो कि बहुत दिनों से चला आ रहा है उसमें कोई मेजर चेंजेस अभी तक नहीं हुआ है और अगर फोटोज़ के क्वालिटी का बात करेंगे तो डेफिनेटली ये सोलह मेगा का कैमरा बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशन हो मल्टीपल शॉट्स हो किसी भी सिचुएशन में हो थोड़ा सा फेस चिकनाता तो है ही लेकिन हाँ डायनेमिक रेंज देखो फोटोज़ का क्वालिटी देखो मल्टीपल पोर्ट्रेट में भी काफ़ी इजी वे में ले लेता है इवन लो लाइट सिचुएशन में भी हो हर सिचुएशन में बहुत अच्छे से हैंडल करता है बस इसको और थोड़ा सा हार्डवेयर वाइज स्ट्रॉन्ग कर दे अगर वन प्लस तो और अच्छा रिजल्ट दे सकता है क्योंकि ये बहुत पुराना सेंसर चला रहा है बट अभी भी बोलेंगे कि चाहे फ्लैश से आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हो लो लाइट में आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो बहुत अच्छे से आपका आउटपुट मिल जाएगा फ्रंट कैमरा हमको काफ़ी अच्छा लगा कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि ओवर सेचुरेटेड या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हमको कहीं पर भी वैसे आप रियर कैमरा में प्राइमरी कैमरा से आप 4K 60fps सिक्सटी रिकॉर्ड कर सकते हो और किसी भी कैमरा में ये आ, सपोर्टेड नहीं है ओवरऑल क्वालिटी अच्छा का ही है मतलब बुरा नहीं बोल सकते हैं स्टेबलाइजेशन uh, थोड़ा सा है कभी कभी जिटर इफ़ेक्ट हल्का हल्का दिखता है और शेडोज़ वाले पार्ट में आपको नॉइज़ भी दिखेगा अगर आप अच्छे से देखोगे तो शेडोज़ वाले पार्ट में आपको नॉइज़ दिखता है एक्सपोजर शिफ्टिंग थोड़ा थोड़ा होता है बहुत ज़्यादा मेजर एक्सपोजर शिफ्टिंग नहीं है वो एक स्मूथनेस होता है ना वैसा हंड्रेड uh, परसेंट वैसा फील नहीं देता है ऑट फोकस वगैरह सब कुछ स्मूथ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेबलाइजेशन में बस लगा कि थोड़ा सा और बेहतर हो जाता और शेडोज़ वाले पार्ट में जो नॉइज़ है वो रिमूव हो पाता तो ज़्यादा अच्छा रहता तो अगर फोर के थर्टी एफ पी एस का बात करें तो पहला चीज़ ये है कि आप कैमरा स्विच कर सकते हो इसमें 4K 60fps में नहीं स्विच कर सकते थे अल्ट्रा वाइड पे इसका मतलब आप 4K 30fps तक स्विच कर सकते हो फोर के सिक्सटी एपी इसका सपोर्ट नहीं है यहाँ पे हम कैमरा मल्टीपल टाइम स्विच किए हैं तो एक दो जो मेजर चीज़ लिखा ल, लगा हमको आगे बताएंगे अब देखो कैमरा स्विच हुआ तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि कैमरा स्विच हुआ है एप्पल और सैमसंग में ये चीज़ कभी फेस नहीं होता है यहाँ पर अब जब जूम करेंगे तो वैसा कैमरा स्विच होने के बाद पता चलता है लेकिन जूम आउट करने के टाइम बहुत मेजरली वो शेक करता है स्टेबलाइजेशन जैसा ई आई ठीक से काम करता है आ, अल्ट्रावेड में कोई ओ नहीं है ई ठीक से काम करता है यहाँ पर भी आप देखो जैसे ही कैमरा स्विच होगा तो आपको दिख जाएगा इफेक्ट कि कितना हाँ ये जो झटका होता है ना बस यही चीज़ लगता है कि मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा बेटर करने का ज़रूरत है कलर शिफ्टिंग भी होता है कैमरा स्विच करोगे तो कलर शिफ्टिंग भी होता है और ऑटो फोकस वगैरह में कोई इशू नहीं है ऑटो फोकस बहुत ही तगड़ा है एक्सपोजर शिफ्टिंग में आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा एक्सपोजर शिफ्टिंग होता है इसमें लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है वो आपका कोई इशू मेजर नहीं है और खासकर डायनेमिक रेंज वाला भी जितना भी शॉर्ट था अगेंस्ट द लाइट भी जितना लिया हुआ बहुत ज्यादा फेस दिख के बहुत ज्यादा ब्राइट वाला कोई ऐसा सीन नहीं लगा कि बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाना फिर फेस हटा तो बहुत ज्यादा डार्क हो गया ऐसा कुछ भी नहीं लगा ऑटो फोकस देखो बहुत ही ऑटो फोकस में तो भाई बहुत ही तगड़ा है बस सैडोज वाले पार्ट में अगेंस्ट द लाइट आप लोगे तो नॉइज आपको मैक्सिमम सिचुएशन में दिखेगा अल्ट्रा वाइट पर भी अगर आप स्विच करोगे तो सेम ही सिचुएशन है लेकिन अल्ट्रा वाइट का क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छा है मतलब एक बोल सकते हैं कि हाँ काफ़ी अच्छा क्वालिटी जो सेंसर है कैपेबल है बस सैडोज वाले पार्ट में आप नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा दिखता है वो चीज़ थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता तो भाई डेफिनेटली और बेहतर हो जाता है वैसे इसमें पोर्ट्रेट वीडियो मोड भी दिया हुआ है और वन एक्स और टू एक्स दोनों पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन एक दो चीज़ लगा कि जैसे कि आपको ओप्पो और Uh, जो रियल मी के फ़ोनस में आते हैं बोके फ्लेयर मोड वो सब नहीं मिलेगा ओवरऑल क्वालिटी जो है वो कई शेय एज सेलेक्शन ठीक ठाक ही आपको मिलता है बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं एज सेलेक्शन ठीक ठाक मिल जाता है और अच्छी बात यह है कि स्टेबलाइजेशन इसका बहुत अच्छा है मतलब स्टेबलाइजेशन में भी कोई इशू नहीं होगा तो वन एक्स और टू एक्स दोनों में आप रिकॉर्ड कर सकते हो इसमें वैसे इसमें डुअल व्यू मोड भी है जो कि आप ब्लॉगिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हो जिसमें फ्रंट कैमरा रियर कैमरा दोनों एक साथ ऑन रहेगा और अभी आप देख सकते हो सामने का भी व्यू देख सकते हो पीछे का भी और ये एक्सट्रीम डार्क में हम शूट कर रहे हैं फ्रंट कैमरा में भी अभी आपको पता चल रहा होगा कि कैसा क्वालिटी आ सकता है तो ये फ्रंट कैमरा का वो वीडियो है जिसमें हम लोग सिर्फ टेन ए टी वी थर्टी एफ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं एक्सट्रीम डार्क में आप देखो और ये कैमरा काफ़ी ज़्यादा कैपेबल नहीं है तो कुछ ज़्यादा इसमें एक्सपेक्ट करने का ज़रूरत भी नहीं है ऑडियो अभी आप सुन रहे थे हमारे फ़ोन से ही और ये थोड़ा बहुत लाइट है यहाँ पर तब आप देख सकते हैं कि कैसा आ रहा है और ये फ्रंट कैमरा का वीडियो है के टाइम में कैसा लग रहा है जी बता दो इसको खाने से फुर्सत मिले खाने पर नहीं सकता होगा अच्छा है ना mm -hmm. काफ़ी अच्छा मतलब क्वालिटी मतलब 16 मेगापिक्सल वाला जो है लेकिन एक अफसोस कि भाई इसमें टेन टी वी सिक्सटी एफ पी ही सपोर्ट है कोई फोर के सपोर्ट्रेड नहीं है यहाँ पे और इंस्टोलाइशन आप ऑन कर सकते हो वैसे तो लेकिन ये स्टेबलाइजेशन ऑफ करके टेन टी थर्टी एफ पे ये पोर्ट्रेट वीडियो अबाउट फ्रंट कैमरा था तो दो लोग आने के बाद भी काफ़ी अच्छा एज डिटेक्शन वैसे तो फोन लिख रहा है कि फॉर बेस्ट रिजल्ट फोटोग्राफ ऑनली वन सर तो ये एक्सट्रीम डार्क में फोर के अल्ट्रा वाइड है स्टिल काफ़ी अच्छा बोलेंगे क्योंकि ये जो सेंसर है ये कैपेबल है काफ़ी हद तक ये आठ मेगा पिक्सल वाले सेंसर से काफ़ी बेहतर होता है और कोई मेजर एक्सपोजर शिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा है वैसा कि अचानक से एक्सपोजर चेंज हो होने वाला कुछ भी चीज़ और ये हम थोड़ा जूम करते हैं इसमें और आपको कैमरा चेंज दिखा होगा और ये वन एक्स एक्स्ट्रीम डार्क में मूव करते हैं यहाँ पे भी काफ़ी हद तक विजिबल है ये ऑडियो अभी आप आ, मेरे फोन का ही सुन रहे हो तो कैसा आ रहा है वो ऑडियो वो भी आप देख सकते हो तो हम लोग लो लाइट में भी अच्छा क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं यह अल्ट्रा वाइड है और शार्पनेस काफी अच्छा है इसमें फ्लेयर्स काफी कम है वीडियो में हमको फ्लेयर्स काफी कम विजिबल दिख रहा है यह वन एक्स है फोर के थर्टी आईपीएस में और नॉइज लेवल थोड़ा थोड़ा ही है बहुत ज्यादा नहीं है डे टाइम में बहुत मतलब शेडोज वाले पार्ट में दिख रहा था और यह टू है टू आप एक्सट्रीम डार्क में जाओगे तो प्राइमरी कैमरा को ही जूम कर देता है और स्लाइडर के थ्रू ये जूम होता है वैसे एक्सट्रीम डार्क में शूट करने के लिए ए आई हाईलाइट नाइट मोड दिया हुआ है और हम क्लियरली बता सकते हैं कि आंख से जो भी विजिबल उतने अच्छे से नहीं है वो भी स्टिल इसमें दिख रहा है ये वन एक्स पे का, काम करता है और काफी अच्छा दिख रहा है मतलब क्वालिटी देखिए क्वालिटी इसमें नहीं आएगा लेकिन अगर आप एक्सट्रीम डार्क सिचुएशन में कुछ शूट करते हो जहाँ पे आपको दिखाना है कुछ भी तो ये काम दे सकता है आपको तो अगर बैटरी का बात करेंगे तो बैटरी अभी बचा है फिफ्टी सेवन परसेंट और स्क्रीन ऑन टाइम जो दिखा रहा है वो एक घंटा छब्बीस मिनट हंड्रेड परसेंट चार्ज किया था मैंने कैमरा यूज़ किया है फोर्टी परसेंट बैटरी ऐसा दिखा रहा है लेकिन हाँ स्टिल बोलेंगे कि कैमरा ही पूरा बैटरी यूज़ किया है डिस्प्ले वग़ैरह कम यूज़ किया है क्योंकि बैटरी जो है कैमरा यूज़ करने पर काफ़ी ज़्यादा ड्रेन करता है इस फ़ोन का तो डेढ़ घंटा में ही इसका बैटरी 56, 57 परसेंट आ गया तो मतलब समझ सकते हो कि ऑन एन एवरेज अगर आप कैमरा चलाते हो तो आपको तीन से चार घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मैक्सिमम मिलेगा तो मतलब छः सात घंटे का आपको लगभग स्क्रीन ऑन टाइम आराम से मिल जाना चाहिए ओवरऑल तो अगर फ़ोन देखेंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है इसमें कैमरा भी काफ़ी पावरफुल है हार्डवेयर वगैरह सब कुछ पावरफुल है मतलब बोला जाए तो एक ऐसा फ्लैगशिप फ़ोन है जो जिसमें सब कुछ आपको मिल जाता है पचास साठ हज़ार के रेंज में लेकिन एक चीज़ जो अभी भी है कि इसमें ऑप्टिमाइजेशन का काफ़ी कुछ ज़रूरत है ऑप्टिमाइजेशन वन प्लस अपने ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही जाना आता था वन प्लस सेवन नाइन आर ये सब फ़ोन जो आते थे वो काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन था कैमराज वगैरह का सब कुछ का तो यही बोलते हैं कि एज अ फ़ोन ही एक फोन गर्दा उड़ाता है लेकिन कैमरा वाइज अभी भी थोड़ा बहुत अपडेट्स का जरूरत है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय